कागजों में ही सिमटा हरहटा का विकास, ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर जमकर किया भ्रष्टाचार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद बलरामपुर की। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आदम गोंडवी साहब का ये शेर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जब ये लिखा गया होगा। खासकर जब देश के सबसे पिछड़े जिले की बात की जाती है, तो गांव का विकास अपने आप में एक अलग ही अहमियत रखता है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा तो तमाम धन व सुविधाएं ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि पूरा पैसा गांव में नहीं लग पाता। इसका सजग उदाहरण है तुलसीपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा हरहटा। यहाँ का विकास कागजों में ही सिमट कर रह गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि हरहटा ग्राम पंचायत में ना तो सामुदायिक शौचालय अभी तक सही हो सका है और ना ही गांव में कोई विकास नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर सीसी सड़कें बनवाई गई हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं है। गांव के विकास का बजट लगभग 2.5 करोड़ रुपए खारिज हुआ है, जिसका ग्राम प्रधान व अधिकारियों में जबरदस्त बंदर बांट किया गया है। गांव के विकास में भ्रष्टाचार किया गया है। कंपोजिट विद्यालय हरहटा में लगे हैंडपंप खराब है, उसके रिपेयरिंग के नाम पर 36,000 उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक नाल हेडपंप खराब ही पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक शौचालय का ऊपर से चमक अच्छा है, लेकिन अंदर की स्थिति अति निंदनीय है, जिसे हर साल देखभाल के लिए और निर्माण के लिए कई बार रुपए उठाए गए हैं, लेकिन अंदर की स्थिति जैसे की वैसी है और हमेशा सामुदायिक शौचालय में ताला ही लटका रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी के मिलीभगत से गांव के विकास के बजट में बंदर बांट किया जा रहा है। ना तो कोई अधिकारी सुनता है और ना ही कोई आकर देखता है और जांच करता है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हरहटा के विकास में हो रहे भ्रष्टाचार व बजट में बंदर बांट की जिले के उच्च अधिकारियों से जांच करवा कर कार्यवाही की मांग की है। 100 कराया गया, जो पेमेंट उसी पे 100 रुपये कर दिया गया वो ठीक है, लेकिन नीचे कोई ईंटों को गिट्टी नहीं कराया गया। और भी बहुत सारी कमियां हैं हमारे गांव में, जो मौके पे वर्तमान प्रधान भी हैं और लमसम करीबन 20 बीघे के पानी के खाते में बनाकर तालाब मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, जिसका पैसा ग्राम निधि में नहीं देते हैं विकास के लिए। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? राम सुमिरन। ये 2.5 करोड़ रुपये लगभग लगा के आपके गाँव में विकास के काम किए गए? कुछ लगा है सर, कुछ भ्रष्टाचार में गया। कहाँ लगा, कहाँ भ्रष्टाचार में गया? जैसे RCC सड़क, जैसे ये आपके सामने शौचालय, जैसे स्कूल में भी नल वल में अनियमितता हुआ है। तो ये अनियमितताएं जो हुई उसकी कभी जांच हुई या कभी कोई? कभी कोई जांच नहीं हुई सर। जो गांव में विकास के काम हुए उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल 10% संतुष्ट है, 90% असंतुष्ट है सर। जी सर, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर कि जो RCC हो या जो नाली बने, वो जो नियम है सरकार का उस हिसाब से बने। मतलब नियम से बने? नियम से बने। अच्छा, जो तमाम मदों में फर्जी तरीके से पैसे खारिज किए गए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? वो सब तो सेक्रेटरी साहब जाने और जो लिया हो पैसा वो जाने सर, हम उसमें क्या बता सकते हैं कि पैसा गया तो कहाँ गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर जो काम हो वो नियमता हो और निष्पक्ष जांच हो सर। क्या नाम है आपका? उदयलाल। क्या समस्या है गांव में, कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ? और हमारे समस्या तो काम सब अधूरे भाई, पूरा काम नहीं भाई, और ना हमरे कोनो समस्या, ना हमें कोई बुलावा है ना कुछ। मतलब मीटिंग नहीं कुछ हुई? नहीं कुछ नहीं, मीटिंग अगर भबो की है तो हमें सबके माने जीरो। मीटिंग नहीं हुई तो जो विकास के काम होते हैं, जैसे आप लोग पंच हैं तो आप लोग नहीं जाएंगे तो प्रस्ताव कैसे बनता है? प्रस्ताव कौन बनाता है? आपका दस्तखत होना चाहिए जब प्रस्ताव की सभा बैठे। कभी नहीं कोनो प्रस्ताव में ना कोनो क्या जी काम होने जा रहा है, इसको उठाने जाने पैसा है, कौन प्रस्ताव को उठा दस्तक कहीं नहीं। कितने का काम हुआ होगा, आपको कितना ध्यान है? अरे हमको कोई बतावे कि इतना उठा इतना है, तभी तो हमको ध्यान रहेगा। मेरे पास तो जो कागज है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर का। हाँ, तब आप पढ़े, आप जानते दो, हम तो यही नहीं जानते कि 2 लाख उठ गया कि 2 करोड़ उठ गया कि कुछ नहीं उठा। काम क्या क्या हुआ है गाँव में?
काम हमारे मोहल्ले में खाली एक जगह RCC हुआ है बस, और नंबर एक वार्ड में बस, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। कितने पंच हैं आप लोग? 12 सदस्य हैं जी। तो सदस्यों की जब मीटिंग होती है या चीज़ें कहीं, कौन मीटिंग होता है, कोई बुला ना तो उसे कहाँ मीटिंग, कहाँ सदस्य दौड़ा जाएंगे? नहीं, ये तो सचिव की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग करेगा, सचिव नहीं करवाता है। अरे कोई नहीं मीटिंग करवाओ थे सर, एक दो बार मीटिंग हुआ था, वह न मीटिंग बराबर था। आप लोगों ने कभी इसकी जांच करवाई या कुछ ऐसा किया? कहीं नहीं जांच वाँच करवाई। किससे जांच करवाएं? क्यों, बड़े अधिकारी हैं, DM हैं, कलेक्टर हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, DPRO हैं। ना आवे कोई बुलवावे तो कोनो चीज़ पूछे तो बतावा जाए, आवास हमेशा कब आए कब गए कोनो पता ही नहीं। आपके गांव की समस्या क्या है? मेरे गांव की समस्या ये है सर कि जैसे हमारे यहाँ जो भी RCC रोड बना, पहली चीज़ तो कोई भी रोड एक सिरे से दूसरे सिरे से अगर एक है तो उसको एक ही जगह, मतलब उसको दो फैक्टर में ना किया जाए, लेकिन जो प्रधान द्वारा कराया गया वो दो फैक्टरों में रोड कराया गया, यानी एक खंड में दो खंडों में कराया गया, जबकि ये नियमता ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये कराया जा रहा है तो इसके लिए ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा जो बताया गया ADO पंचायत द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ रोड हुए सारे रोड गुणवत्ता विहीन है, किसी भी रोड की कोई अधिकारी कभी भी आके जांच कर सकता है। इसको विरोध किया, शिकायत किया, तो चूंकि ADO पंचायत महोदय कह रहे हैं कि हमको एक नियत तिथि में लगाना रहता है IGRS में रिपोर्ट, इसलिए हम उसकी जांच नहीं कर पाते हैं, तो आप हमको एक लिखित में दे दीजिए। उसकी लिखित में भी शिकायत ADO पंचायत महोदय को दे दी गई है। IGRS की जांच वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बोलते हैं हमें टाइम बाउंडेशन में उसको रिपोर्ट देना है। टाइम बाउंडेशन में देना है तो क्या आप रिपोर्ट गलत लगा देंगे, फर्जी लगा देंगे? एक IGRS किया गया, इसी विषय में 4 बिंदु पर जाँच की मांग की गई, उस IGRS पे फर्जी अंगूठा लगाकर, जो नहीं है उस अंगूठे को फर्जी लगाकर IGRS क्लोज कर दिया गया और बयान लगा दिया गया एप्लीकेंट का। किसने लगाया ये? जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट सारे उपलब्ध कराते हैं वहाँ IGRS क्लोज करने के लिए सचिव महोदय, तो सचिव महोदय ने करवाया होगा। लेकिन जब इस विषय में सचिव महोदय से पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधान ने दे दिया हमको। सचिव का प्रदीप कुमार वर्मा जी नाम है वो हमारे, और उन्होंने फर्जी अंगूठा लगाकर IGRS क्लोज कर दिया। उसके विषय में एक शिकायत पत्र, बाकायदा बयान हल्फी एफिडेविट के साथ ADO जॉइंट ADO जो हमारे यहाँ के थे कुछ आर्या सर के, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको दे दिया गया था। कल उनसे इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन आपका एप्लीकेशन पड़ा होगा, अधिकारी कोई जाएगा जांच करने के लिए। कल एक महोदय आए थे, मैंने इस विषय पे 2 बिंदुओं पे बात की कि क्या गांव में एक ही रोड को 2 खंडों में बनाया जा सकता है, इस घर इनके घर से इनके घर तक, फिर इनके घर से इनके घर तक। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा हमारे यहाँ हुआ है, आप देख सकते हैं एक ही रोड है जो सोहेल के घर से ननकने यादव के घर तक, लेकिन उस रोड को 2 खंडों में बनाया गया। पहले बनाया गया सोहेल के घर से संतराम के घर तक, फिर बनाया गया संतराम के घर से सोहेल के घर ननकने के घर तक। उसका वजह यह है क्योंकि उसकी जो लागत थी वो 5 लाख से ऊपर जा रही थी, उसके लिए उन्हें जिले से अप्रूवल या ब्लॉक से अप्रूवल लेना पड़ता, इसलिए उन्होंने उस रोड को 2 खंडों में कर दिया ताकि एक एक रोड की 5-5 लाख से कम लागत हो जाएगी, उसमें अच्छे से भ्रष्टाचार किया जाएगा। यही मेरा बिंदु है। मैं चाहता हूँ कि इस पर जो भी हो, श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय या जो भी इसके संबंधित अधिकारी हो, वो एक विस्तृत जांच कर लें। अगर गलत पाया जाता है, जांच अगर एप्लीकेशन गलत पाया जाता है तो हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर सही पाया जाता है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और उसका फिर रिकवरी किया जाए, क्योंकि राजस्व धन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश पासवान। सतीश, क्या गांव में 2.5 करोड़ लगभग खर्च हुआ विकास कार्यों के लिए? कितना विकास हुआ आपके गांव? हमारे गांव में RCC कराया गया जो भारत सरकार के मानक विपरीत है, 4 इंच उसका मानक है, एक सूत कराया जाता है, ईंटे को गिट्टी भी नहीं कराया जाता है, वैसे ईंटा बिछवा कर RCC करा दिया जाता है। जो काम नहीं हुआ है उसका भी पेमेंट है, काम हो गया उसका भी फर्जी तरीके से पेमेंट है। जैसे किन किन कार्यों का फर्जी तरीके से पेमेंट? जैसे कंपोजिट विद्यालय हराटा में नलकूप को सही नहीं कराया गया, 36,000 रुपये उसका रिपेयरिंग के लिए पेमेंट करा लिया गया। जैसे RCC है जो, उसमें डबल भाग में 2 पेमेंट कराया गया है, एक हमारे गांव में है सुहेल के घर से ननकने के घर तक, उसको डबल पार्ट में पेमेंट कराया गया है, और एक मतलब शिव मंदिर से मोती के घर तक है वो भी पेमेंट कराया गया है, डबल विभागों में पेमेंट कराया जाता है। जी सर, शौचालय की क्या स्थिति है? सर शौचालय की जो है, लगभग पूर्व 15 दिसंबर 2023 को 27,000 रुपये TT मतलब देख रेख के समीक्षा में मतलब पैसे निकाला गया है, जो कोई देख रेख नहीं करता है, और उसको मरम्मत कराने के लिए पैसा आया था वो भी मरम्मत नहीं कराया गया। सीट की आप हालात तो देख ही लिए हैं, फिर
जून जुलाई में उसमें बारिश के मौसम में वो बंद था। पूरे गांव वालों को कहां पर जाएं, सामुदायिक शौचालय सबके लिए हैं, लेकिन वो उसका भी ताला लगा हुआ था। तो ये शौचालय खुलता नहीं है, विकास कार्य होता नहीं है, तो पैसे कहां जा रहे हैं? सर पैसे जो है वो सचिव साहब टर्न ओवर कर दे रहे हैं, अब जहां मन कर रहा है वहां डाल दे रहे हैं, जिसके अकाउंट में जो बताते हैं वहीं पेमेंट कर देते हैं, अपना जो है मैनेज कर लेते हैं। आप लोगों के पास कागजात हैं? जी सर। ये कागजात आप लोगों ने दिए हैं, तो क्या ये कागजात झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो कागज हम लोग नहीं बनाते, वो सचिव साहब ही बनाते हैं जो है डेवलपमेंट। तो सरकार बनाती है ना? तो सरकार बनाती है सर, लेकिन जो है पैसा पेमेंट उन्हीं द्वारा होता है। तो क्या लगता है गाँव में भ्रष्टाचार हुआ है? सर गाँव में बहुत भ्रष्टाचार है सर। इसकी कभी जाँच हुई? कभी नहीं जाँच हुई, जाँच करवाए गए परसों, मतलब जय साहब आए थे, उनका नाम था राजू, जो देख के चले गए, वैसे वो भी 4 इंची का उसका मानक था, 100 कराया गया जो पेमेंट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।